देश मेरा रंग रेज ये बाबू घाट घाट यहाँ घटता जादू। गरीब इलाके हैं वहाँ पर अमोनिया वाला पानी आ रहा है और जो अमीर इलाके हैं वहाँ पर अमोनिया वाला पानी नहीं आ रहा। लाल बहादुर जी, अरे लाल इतना बढ़िया देश का प्रधानमंत्री, एक नंबर का कोई हुआ तो लाल बहादुर। जो चेहरे वहाँ पर बैठे हैं बीजेपी के, वो चेहरे बैठे हैं जिनका झुग्गी बस्ती से इस्लाम एरिया से कोई लेना देना नहीं है। वजीरपुर पानी पॉलिटिक्स एंड पीपली लाइफ। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की स्लम बस्ती में यूं तो पानी की समस्या पिछले 4 महीने से बेहद गंभीर है, लेकिन जैसे ही पानी के लिए लाल बहादुर की जान गई, राजनीतिक पार्टियों में जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर ऐसी जंग मची कि फिल्म पीपली लाइव की यादें ताजा हो गईं। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। राजनीतिक पार्टियां पानी की किल्लत के लिए एक दूसरे को कोस रही हैं। इसी कड़ी में पहले कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और स्थानीय विधायक को कोसा और लाल बहादुर की मौत का मुआवजा मांगा, तो आज बारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की थी। बीजेपी ने वजीरपुर में पानी की मौत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मानते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। लाल बहादुर को शहीद करार देते हुए उसकी बहादुरी के ऐसे किस्से गढ़े कि लाल बहादुर की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से कर दी गई। लाल बहादुर जी, अरे लाल इतना बढ़िया देश का कोई प्रधानमंत्री, एक नंबर का कोई हुआ तो लाल बहादुर। बीजेपी का ये राहत दल अपने साथ 1,00,000 रुपए की मदद राशि का चेक भी लेकर आया और जोश के साथ 1,00,00,000 रुपए की मुआवजे की मांग केजरीवाल सरकार से कर दी, लेकिन खुद ये ख्याल नहीं रहा कि चेक पर नाम लाल बहादुर के परिवार के किसी शख्स का नहीं बल्कि मृतक लाल बहादुर के नाम से ही चेक को बनाया गया था। दिल्ली दर्पण की टीम ने जब इस ओर ध्यान दिलाया तो दूसरा चेक बनाकर उसे ठीक किया गया और चैनल में इस खबर को नहीं दिखाने का अनुरोध भी किया गया। साथ ही ऐलान किया गया कि ये तो पहली किस्त है, जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी आने वाले हैं और अपने साथ लाखों रुपए भी लाने वाले हैं। ये बदलेंगे, ये सुशीला बहन जी के नाम मुझे पता था। स्वामी जी मेरी ऐसी करोगे आप, क्योंकि सुन लो मेरी बात भाई, भगवान ना करे दोबारा ऐसे चेक देने पड़े। ये मेरा जिला अध्यक्ष में पहला काम है, सुन लो सबने कहा। ये हमारा, हमने वजीरपुर विधानसभा से इकट्ठा करके केशवपुरम जिले में हमने ये फंड जमा करा के ये हम चेक सुशीला बहन जी के नाम से देंगे। अभी सिर्फ इसलिए कि यार लाल बहादुर तो लिख दिया लेकिन बहन जी का नाम नहीं पता था, तो यहाँ ये 1,00,000 आप चेक कर लेना। मीडिया के बंधु हैं, बुरा मत मानना भाई, मैं सलूट करता हूँ आप लोगों, लेकिन आप नेगेटिव ज्यादा दिखाते हो, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये आपने वो तो देख लिया और कोई अब तक कोई नहीं आया। ना 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 ना, ना मत करना ऐसा। 1,00,000 रुपया उनसे पूछ लेना परसों कि सुशीला बहन के नाम से मिला के दे। जिस वक्त बीजेपी का ये धरना चल रहा था उसी वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक रहे राजेश गुप्ता भी अपने पार्षद विकास गोयल और समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। राजेश गुप्ता पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी। बीजेपी के मंच और माइक से आप सरकार से जवाब मांगा जा रहा था, ये देख और सुन राजेश गुप्ता भी बीजेपी के मंच पर पहुंच गए और बीजेपी नेता से माइक लेकर जवाब देने लगे, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं को ये नागवार गुजरा और उन्होंने माइक को वापस छीन लिया। इस पर दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और ये कहासुनी नारेबाजी में भी बदल गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आम आदमी पार्टी नेता
और कार्यकर्ताओं को बीजेपी के धरना स्थल से दूर किया। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर पानी पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही हैं। सारी पार्टियों को राजनीतिक चीजों को इसमें छोड़ देना चाहिए और सबको मिलके एक ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों को पानी मिले, लोगों की व्यवस्था अच्छी हो। मेरे साथ में चले, सीएम के पास में मैं लेके चलने के लिए आपके सामने तैयार था। मैंने परिवार को कहा, बीजेपी वालों को भी ले चलता हूँ, चलिए मेरे साथ में प्यार से बात करेंगे। और हरियाणा सरकार पे चलिए, यमुना पे इन सबको लेके चलने के लिए तैयार हूँ। टेम्पो भर भर के वहां दिखाता हूँ कैसे कचरा और जहर दे रहे हैं, इन जहर इन बच्चों को कैसे पिला दे, इसलिए वो प्लांट बंद है, इस वजह से इनके पास पानी नहीं आ रहा। चार दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ और आप देख रहे हैं, पहले दिन से मैं यहाँ के हैंडपंप लगवाने की बात करता हूँ, मैं यहाँ के मुआवजे की बात करता हूँ, वो सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। आज वो मंच लगाकर राजनीति कर रहे हैं और जब उस मंच पर जाकर हमारे विधायक जी अनाउंसमेंट करना चाहते थे तो वो कह रहे हैं कि अपना मंच लगाकर घोषणा करो। मतलब आज अगर किसी की मौत होती है तो उस पर भी मंच लगा के राजनीति होगी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो बीजेपी आज कर रही है। बहरहाल तीनों प्रमुख पार्टियों में लाल बहादुर के परिवार को ज्यादा से ज्यादा राहत दिलाने की होड़ लग गई है। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की तो बीजेपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलवाकर उसे हर संभव मदद दिलाने का दावा और वादा कर रही है। तो हमने मांग करी है दिल्ली सरकार से कि इस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, चूंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो जल बोर्ड के चेयरमैन हैं और पानी की समस्या इस इलाके में चल रही है। हमने प्रदर्शन भी जल बोर्ड के कार्यालय पे किया था। भाई केजरीवाल सरकार को ये सोचना चाहिए कि आए दाए जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो वो आगे बढ़कर कभी 50 लाख रुपए है, कभी 1 करोड़ रुपए देते हैं। तो ये हादसा तो जल बोर्ड के कारण से हुआ है, जल बोर्ड के टैंकर के कारण से हुआ है, इस पर भी उनको संज्ञान लेना चाहिए। और इसकी गरीब आदमी है, 3 बच्चे हैं उसके पीछे, उसकी वाइफ है, उनको भी इतना ही पैसे कम से कम मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। कितना पैसा की मांग कर रहे हैं आप? मैं कम से कम 50 लाख रुपए तो मिलना चाहिए उसको। राहत देने और दिलाने की इस होड़ के बाद अब लाल बहादुर के परिवार को क्या मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन जो चेक लाल बहादुर की पत्नी सुशीला को मिला है वो उसके किसी काम का नहीं। सुशीला का बैंक में खाता तक नहीं खुल पाया है। वो खुद कहती है उसे ये मदद नहीं बल्कि न्याय और गुजारे के लिए परिवार में किसी को नौकरी चाहिए। ये हम क्या करें, इनको लेकर हम कितना दिन जिएंगे, क्या करेंगे, हम तीनों बच्चे पाले रखे, हमारी जिंदगी बीतेगी इससे, हमारी जिंदगी इतना ही बीतेगी, हमारा जो चला गया जान वो तो वापस नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, तो हमारे दोनों बच्चे की जिंदगी को कुछ सहारा मिलेगा, हमको पक्की नौकरी दोनों को दी जाए, हमको ये चीज से हमको नहीं। आपका बैंक में खाता है? हमारे यहाँ पे कुछ नहीं। वजीरपुर में आप विधायक राजेश गुप्ता संसदीय सचिव मामले में अयोग्य घोषित किए जाने वाले 20 विधायकों में शुमार हैं। जाहिर है वजीरपुर में पानी को लेकर लाल बहादुर की मौत पर हुआ घमासान जल्द खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे में यदि बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वजीरपुर में आकर कोई घोषणा कर दें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर